जय माँ काल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हूँ जी। आज का जो मेरा वीडियो है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर की जो आप लोग की वैकेंसी 2020 में निकल के आई थी जी, या 2020 की आप लोग की वैकेंसी थी, 1522 आप लोग की टोटल वैकेंसी थी, जिसका कि फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आ चुका था जी। आप लोग देख सकते हैं, ये है फाइनल रिजल्ट और इसकी डिटेल आप लोग को दी गई थी। इसमें आप लोग जैसे ही नीचे आते हैं, वैकेंसी काफी अच्छी थी ट्रेड्समैन की, ड्राइवर की आप लोग की वैकेंसी थी, और नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं 138 यहाँ पे सस्पेक्टेड कैंडिडेट थे, और सस्पेक्टेड कैंडिडेट का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन वो सस्पेक्टेड में है, अभी उनका प्रोसेस चल रहा है। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जी, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है रिजल्ट यहाँ पे रोक लिया गया है। कीप फॉर ऑल पोस्ट हैव बीन कीप ऑन होल्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, तो ईडब्ल्यूएस वालों का रिजल्ट यहाँ पे रोका गया है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है समय का ना होने की वजह से उनके रिजल्ट को यहाँ पे जारी नहीं किया गया। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए अगर तो बाकी सभी कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया था, और वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो कि जनरल में फाइट कर रहे थे उनका भी सिलेक्शन हो चुका है जी। यहाँ प्रोसेस पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है, अभी सस्पेक्टेड कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों का पूरी तरीके से यहाँ पे भी प्रोसेस रुका हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस का आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पे एक मेल के माध्यम से एक मैसेज भी आप लोग को दिखाया गया था जी। हाँ, मेल वगैरह आप लोग को आया था, इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को बताया गया था विज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र के संबंध में आप लोग को बताया था। यह सूचित किया जाता है कि आपने आर्थिक कमजोर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत उपयुक्त आवेदित पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पंजीकृत की है, यानी कि आप लोगों ने ईडब्ल्यूएस के रूप में जो है फॉर्म को अप्लाई किया था। डॉक्यूमेंटेशन के दौरान आपके आर्थिक ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, वो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष 19-20 के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जारी होना आवश्यक था जी। हाँ, 19-20 की आय के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 का जारी होना आवश्यक था, क्योंकि आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि आप लोग की 2020 की आप लोग की वैकेंसी थी, तो आप लोग का वित्तीय वर्ष 2020-21 का यहाँ पे होना था। इसके अलावा सूचित किया जाता है कि आप आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जो वित्त वर्ष 2019 के आय के आधार पर, जी हाँ, 2019-20 के आय के आधार पर 2020-21 के वित्त वर्ष का आप लोग का जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस बनेगा, जो आय आप लोग की 19 और 20 में है उसी के अनुसार आप लोग की जो है 2020-21 का यहाँ पे ईडब्ल्यूएस बनेगा, जो कि फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रतिकृत अधिकारी द्वारा विज्ञापन के अनुग्रह थर्ड के अनुसार जारी किया गया हो, जी हाँ, जो कमांडेंट भर्ती बल मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल को इस पत्र के जारी होने की तिथि के 30 दिन के भीतर जमा करना सुनिश्चित करे, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी जो है रद्द कर दी जाएगी। तो ये पत्र आप लोग का 6/12/2023 का है, और 30 दिन के भीतर भीतर आप लोग को यहाँ पे सबमिट कर देना है, कोई एड्रेस वगैरह यहाँ पे नहीं लिखा गया। कमांडेंट भर्ती बल मुख्यालय आप लोग को लिखा गया है, सशस्त्र सीमा बल को, ठीक है। इसको लेकर के भी स्टूडेंट कंफ्यूजन में थे, लेकिन मैंने इनको बताया था कि आप लोग को जो है न्यू दिल्ली जो आप लोग का हेड ऑफिस है वहीं पे आप लोग को जाना होगा, 30 दिन के अंदर अंदर आप लोग को यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट संपर्क में थे मैंने उनको जानकारी दी थी, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं अभी वेबसाइट पे एक नोटिस और आया है जी, यहाँ एक नोटिस और आया है जो कि ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग ही है। तो क्या है ये चीज, इसकी जानकारी आप लोग के पास होनी, तो आप लोग देख सकते हैं ये है नोटिस, ये ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड ही है जिसकी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है तो बिल्कुल आप लोग देखिए इसको। तो सशस्त्र सीमा बल के विज्ञापन 338/2020 29 अगस्त-4 सितंबर के आलोक में वैसे सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जिनके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र विज्ञापन 29 अगस्त-4 सितंबर के जो आप लोग का एडवर्टाइजमेंट आया था उसकी डेट आप लोग को दी गई, ठीक है, इसके शर्त के अनुरूप नहीं पाया गया था तथा उन्हें आर्थिक से कमजोर का प्रमाण पत्र अगस्त-4 के शर्तों के अनुसार जमा करने का निर्देश दिया गया था। मीन्स यहां पे आप लोगों से बताया जा रहा है कि आप लोग का जो ईडब्ल्यूएस था, जो एडवर्टाइजमेंट आप लोग की आई थी 2020 में 29 अगस्त-4 सितंबर के बीच में जो आप लोगों ने ईडब्ल्यूएस सबमिट किया था वो आप लोग का इस रिक्रूटमेंट के अनुसार नहीं था जी। 29 अगस्त से 4 सितंबर के शर्त के अनुरूप जमा करने का निर्देश दिया गया था, इस वजह से आप लोगों को 29 अगस्त-4 सितंबर के शर्तों के अनुसार जमा करने का निर्देश दिया गया था। यानी कि जो आप लोग की एडवर्टाइजमेंट आई थी, जो आप लोग के फॉर्म अप्लाई हुए थे उसमें जो शर्तें थी कि आप लोग का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, वित्तीय वर्ष आप लोग जैसे मैंने दिखाया 2020-21 का होना चाहिए, जो कि 2019-20 के आय के अनुसार बनता है,
जी हाँ, 2020-21 का आप लोग का EWS चाहिए था, लास्ट डेट से पहले का, जैसा कि नोटिफिकेशन में था वैसा आप लोग का नहीं पाया गया, आप लोग को जमा करने को बोला गया, को सूचित किया जा रहा है। तो आपको सूचित किया जा रहा है कि वैसे अभ्यर्थियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के प्रमाण पत्र का सत्यापन, यह प्रमाण पत्र का सत्यापन दिनांक 9/1/2024, तो यहाँ पे आप लोग को डेट दे दी गई है 9/1/2024 को 25वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल खिटोरनी पोस्ट अर्जनगढ़ न्यू दिल्ली पिन 11/00/47 में होना निर्धारित हुआ है। तो यहाँ पे अब आप लोग को डेट भी दे दी गई है और जगह भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप लोग को सत्यापन दिनांक 9/1/2024 को पहुंचना है। जो भी EWS के कैंडिडेट हैं, यदि आप लोग के पास सर्टिफिकेट है वित्तीय वर्ष 2020-21 का, फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है उससे पहले होना चाहिए और वित्तीय वर्ष 2020-21 का होना चाहिए। बार बार मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, चाहिए उसके बाद का नहीं होना चाहिए और उससे पहले का भी नहीं होना चाहिए। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 का आप लोग का होना चाहिए, जो कि घिटोरनी, जहां पे आप लोग को 25वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल घिटोरनी आप लोग को जाना पड़ेगा, पोस्ट अर्जनगढ़ न्यू दिल्ली, ये आप लोग का जगह दिया गया। तो 9/1/2024 की डेट आप लोग को फिक्स कर दी गई है, एड्रेस वगैरह आप लोग को यहाँ पे दे दिया गया है, आप लोगों ने EWS तैयार कर लिया है तो बिल्कुल आप लोग पहुंचिए। अतः वैसे अपने आर्थिक कमजोर EWS का प्रमाण पत्र मूल प्रति, जी आप लोग को ओरिजिनल लेकर के जाना है, EWS सर्टिफिकेट जो कि विज्ञापन अगस्त के शर्तों के अनुरूप ही होना चाहिए, जी हाँ इसके अनुरूप है तभी आप लोग जा सकते हैं, अभी का लेटेस्ट लेके नहीं जा पाएंगे आप लोग। PET/PST लिखित चिकित्सा परीक्षा का प्रवेश पत्र साथ में आप लोग को जो है, जो भी आप लोग का फिजिकल का प्रवेश पत्र, लिखित और मेडिकल का जो भी प्रवेश पत्र वगैरह थे आप लोग का, जो भी प्रवेश पत्र मिल जाए आप लोग के पास, ठीक है, अपने तथा फोटो पहचान पत्र के साथ आप लोग को जाना है। तो यहाँ पे आप लोग को यदि आप लोग के पास लिखित का, चिकित्सक का, PET/PST ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह आप लोग के पास है, PET/PST का नहीं है, लिखित का, चिकित्सा का आप लोग का है, मेडिकल का है, बिल्कुल आप लोग लेके जाइए, जो भी है आप लोग लेके जाएंगे। और फोटो पहचान पत्र आप लोग ले लेंगे, फोटो पहचान पत्र में आप लोग का आधार हो गया, वोटर ID हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह के एक या दो फोटो कॉपी आप लोग, दो ID प्रूफ आप लोग रख लेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो 9/1/2024 को सुबह 9 बजे आप लोग को पहुंच जाना है और 25 वाहिनी जो भी आप लोग को बताया है, घिटोरनी पोस्ट अर्जनगढ़ पिन कोड यह प्रमाण पत्र सत्यापन हेनु सुनिश्चित किया गया। तो 9 जनवरी को आप लोग को पहुंचना है, लेटेस्ट नोटिस है 29/12/2023 का, जी हाँ आप लोग देख सकते हैं ये एड्रेस वगैरह दिया। तो अभी आप लोग को पूरी तरीके से यहाँ पे एड्रेस क्लियर कर दिया गया है, आप लोग को अर्जनगढ़, जी हाँ घिटोरनी पहुंचना है SSB 9/1/2024 को। आप लोगों ने EWS तैयार कर लिया है तो बिल्कुल कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, सिलेक्शन आप लोग का होना है। जी हाँ, इम्पोर्टेंट वीडियो था, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि EWS के सभी कैंडिडेट को इसकी जानकारी लग सके, क्योंकि एड्रेस को लेकर के स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान थे। तो 9/1/2024 आप लोग पहुंचिए, जानकारी दीजिए, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइम पर। जानते पहले आप लोग सीख होंगे, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर होता है, किसी प्रकार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगकर, थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।